वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। तो मेरे बच्चों, आप बोलोगे अग्निपथ चल क्या रहा है आजकल, ये अग्निपथ हो क्या रहा है आजकल, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि ये किन के लिए है, किन कैंडिडेट के लिए है, कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो अग्निपथ है क्या? अग्निपथ है बच्चों, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्कीम निकाली है तीनों सेनाओं के अंतर्गत लेकर, ठीक है। इसमें आपका इंडियन आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी और नेवी होगी, ठीक है, जिसके अंतर्गत भर्ती होगी। भर्ती मतलब जिसके अंतर्गत हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन कमीशन होगा। नॉन कमीशन मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ ही सालों के अंतर्गत में आप इसमें रह सकते हैं और उसके बाद आप आर्मी से बाहर भी हो सकते हैं, या आप अगर स्किलफुल होंगे तो आपको 25% के अंतर्गत आर्मी में भी रह सकते हैं। तो ये इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। नॉन कमीशन ये है आपके 4 साल के लिए, सिर्फ कितने साल के लिए, 4 साल के लिए भर्ती होगी, ठीक है। मतलब आप 4 साल तक इस आर्मी के अंतर्गत सर्विस कर पाएंगे, अपना बलिदान देंगे, अपना योगदान देंगे, अपने देश के लिए कुर्बान होंगे। तो आप कंफ्यूज ना होंगे बच्चों, कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी जारी रखिए और लोगों को बोलने दीजिए कुछ भी हो, ये गवर्नमेंट का फैसला है, कोई इसको बदल नहीं सकता, ठीक है। आप तैयारी रखिए, आपकी तैयारी आपको एक दिन पे ऑफ जरूर करेगी, ठीक है। तो ये है आपके सिर्फ 4 साल के लिए, कितने साल के लिए, 4 साल के अंतर्गत आप इसमें रह सकते हैं और एलिजिबल एज इसमें आप 17 साल से लेकर 21 साल तक की एज में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 17 साल से लेकर 21 साल, आप इसको 17 ही मानिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन है 10th पास और 12th पास। अगर आप 10th पास करके चलते हैं और आपकी एज 17.5 होगी तो आप आर्मी आपको एक सर्टिफिकेट देगी और आपको इसमें 12th का सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और जो इसके अंतर्गत भर्ती होगा या आर्मी को ज्वाइन करेगा उनको हम बोलेंगे अग्निवीर। क्या बोलेंगे? अग्निवीर, ठीक है। तो इस अग्निपथ के अंतर्गत जो आर्मी को ज्वाइन करेगा उनको हम बोलेंगे अग्निवीर, ठीक है। इसमें गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है, बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों इलेजिबल है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी होगी 4 साल तक की सर्विस, जिसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसके हम रंग रोटी भी बोलते हैं। तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और 3.5 साल बचे, 3.5 साल उसमें आपको सर्विस करनी पड़ेगी, चाहे आर्मी आपको कहीं भी भेजे आपको अपना योगदान देना पड़ेगा, देश की सेवा करनी पड़ेगी। यार जो देश की वर्दी, ये आर्मी की वर्दी पहनने का मजा है ना, वो किसी में नहीं है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और नेक्स्ट बताता हूँ आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सैलरी आपको फर्स्ट में मिलेगी 30,000, ठीक है, 30 से 40,000 तक, कितने से, 30 से 40,000 तक मिलेगी, ठीक है। और फिर आपकी, और आपको पहले पर ईयर मिलेगी 4.5 लाख, ठीक है, पर ईयर। फिर आपकी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी 6 लाख और 6.5 लाख 4 साल तक, ठीक है। और आप जब आर्मी से बाहर आ रहे होंगे 4 साल बाद या रिटायर हो रहे होंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको 11.71 लाख का बोनस या आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, जो आपकी टैक्स फ्री होगी। क्या होगी? टैक्स फ्री होगी, ओके। और आपकी सितंबर में वैकेंसी आने वाली है, इस सितंबर या अक्टूबर नवंबर कभी भी आ सकती है, तो उसमें 46,000 वैकेंसी आएगी। तो 46,000 आप एयरफोर्स, अभी तो एयरफोर्स के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जल्दी शायद आर्मी और नेवी में भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की दुर्भाग्यपूर्ण से डेथ हो जाती है तो उसको 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, वैसे। और स्किलफुल, ठीक है, और अगर जो स्किलफुल है, ठीक है, जो स्किलफुल व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, तो वो 25% में आएगा, जिनको आर्मी परमानेंट रखेगी। परमानेंट मतलब वो फिर अपना योगदान, अपने देश की सेवा कर सकता है, ठीक है, इस 25% के अंतर्गत आप परमानेंट कमीशन में रह सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप नॉन कमीशन में रहोगे 4 साल तक के लिए। और ये अच्छा है वैसे, अगर आप 4 साल बाद बाहर आते हैं आर्मी से और आपके पास अच्छा इनकम होता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोबारा, या
कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा इनकम है जो आपको काफी हेल्प हेल्प करेगा। ठीक है, तो अग्निपथ, जो अग्निपथ के द्वारा भर्ती होगा उन सारे वीरों को बोलेंगे हम अग्निवीर। क्या बोलेंगे? अग्निवीर। तो इन सब वीरों को बोलेंगे हम अग्निवीर। तो अग्निपथ हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने ये तीनों सेनाओं को लेकर स्कीम निकाली थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यह अच्छा है या बुरा है, ये स्कीम अच्छी है या बुरी है, आप कमेंट सेशन में कमेंट दे सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।